लेट्स कंटिन्यू। मैंने अभी अभी जो बताया हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने डिटरमाइन करने का तरीका बताया। और डिटरमाइन करने का क्या तरीका बताया मैंने, ये हाफ सेल बनाओ, हाफ सेल में जो जिसका भी ऑक्सीडेशन या जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, उसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म दोनों ही ढेर सारे मौजूद हो। और जैसे यदि हमको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप कर दो, वह जिंक हाफ सेल हो गया। इस जिंक हाफ सेल में डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो भी कुछ रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वही जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इस तरह से हमने हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कंसेप्चुलाइज तो कर लिए हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर देम। हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इनफैक्ट वी हैव गॉट नो डिवाइस, वी हैव गॉट नो इंस्ट्रूमेंट, वी हैव गॉट नो मेथड और वी हैव गॉट नो प्रोसीडियर बाय विच वी कुड मेजर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। हमने जिंक हाफ सेल बनाया था और कॉपर हाफ सेल बनाया था। जिंक हाफ सेल में हमने एक्वस जिंक सल्फेट लिया था और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप करी थी। कॉपर हाफ सेल में हमने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें कॉपर रॉड डिप करी थी। दिस इज कॉपर रॉड एंड दिस इज जिंक रॉड। ऑक्सीडेशन हुआ था जिंक का और सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन चले गए थे और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ था। इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया था। और इधर कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ था और कॉपर आयन के रिडक्शन होने से इधर सल्फेट आयन और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल एस्टैब्लिश हुआ था। और हमने कहा था कि जब यह डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाए, इधर इस तरह की डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो गई थी, जिंक इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ जिंक आयन एंड टू इलेक्ट्रॉन व्हाइल कॉपर आयन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ कॉपर। और हमने कहा था इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यदि इसे हम किसी तरह से मेजर कर ले तो वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है। बट द फैक्ट इज कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई
डिवाइस, कोई मेथड, कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे कि हम इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके. इनफैक्ट इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल. हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर पाना इम्पॉसिबल. ये बिल्कुल वैसी ही बात है यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप में कितना दिमाग है. मेरे इस सवाल का एब्सोल्यूट टर्म में कोई जवाब नहीं हो सकता. यदि मैंने आपसे सवाल पूछा आप में कितना दिमाग है, आपको ऐसे बोलोगे 50 ग्राम दिमाग है, 100 ग्राम दिमाग है, कुछ नहीं. यू कैन आंसर इट इन एब्सोल्यूट मैनर. इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं आप में कितनी ताकत है, वंस अगेन इट्स इम्पॉसिबल टू आंसर इट इन एब्सोल्यूट मैनर. ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में दिया जा सकता है. मैं यह जरूर पूछ सकता हूं कि आप दोनों में किसके पास ज्यादा दिमाग है, इसका जवाब हो सकता है. दो पर्संस में मैं कंपेयर कर सकता हूं, मैं यह कंपेयर कर सकता हूं कि आप में, आप दोनों में किसके पास ज्यादा ताकत है, हु इज मोर हेल्दी और मोर स्ट्रांग. तो एक सिंपल सा तरीका है, आप में किसके पास ज्यादा दिमाग है. भाई मैंने चैप्टर अभी अभी पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, आप दोनों को एक तरीके से पढ़ाया है, अब एक टेस्ट ले लेते, जिसे ज्यादा मार्क्स आ जाए हम कहेंगे उसकी ग्रेस्पिंग ज्यादा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, उसके पास दिमाग ज्यादा है. जिसे कम मार्क्स आए भाई उसकी ग्रेस्पिंग कम है, उसके पास दिमाग कम है. रिलेटिव टर्म में इसका जरूर जवाब दिया जा सकता है. आप में से कौन ज्यादा ताकतवर है, भाई इसी समय चलिए पंजा लड़ा लेते, पंजा लड़ाने में जो जीत जाएगा वो ज्यादा ताकतवर, कुश्ती करा लेते इसी समय, जो जीत जाएगा वो ज्यादा ताकतवर. यह एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका जवाब एब्सोल्यूट टर्म में नहीं मिल सकता, मगर रिलेटिव टर्म में जरूर मिल सकता है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है कोई नहीं बता सकता, एब्सोल्यूट टर्म में कोई नहीं बता सकता, इसको मेजर भी नहीं करा जा. हां रिलेटिव टर्म में जरूर मेजर कर सकते हैं. जिंक और मैग्नीशियम में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यह मेजर जरूर करा जा सकता. कॉपर या सिल्वर में या कॉपर या जिंक में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये मेजर जरूर करा जा सकता है. इट कैन ऑलवेज बी आंसर्ड इन रिलेटिव टर्म्स. हम जिंक एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटिव टर्म्स में मेजर करेंगे, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल भी हम रिलेटिव टर्म्स में मेजर करेंगे. कैसे करेंगे आगे की बात है, अभी हम यहीं से आगे समझते हैं. यह जिंक हाफ सेल है और इस जिंक हाफ सेल में यदि इसको कॉपर के सामने रखा जाए तो यह सिचुएशन दिखती है. तो जिंक हाफ सेल कॉपर के सामने रखा हुआ जिंक हाफ सेल में इस तरह से सिचुएशन दिखेगी कि जिंक के कुछ एटम ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन के बनके सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं और इलेक्ट्रोड पर कुछ नेगेटिव चार्ज है सरप्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से. एंड दिस इज कॉपर हाफ सेल. कॉपर हाफ सेल को यदि हमने जिंक के साथ दिया है तो उसमें इस तरह की सिचुएशन दिखेगी, इस तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखेगा, इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा. अब मैं क्या करता हूं, जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से शॉर्ट कर देता है. मेटालिक वायर से, कंडक्टिंग वायर से मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को शॉर्ट कर दिया.
एक्सटर्नल सर्किट। देखिए जरा क्या होगा, इस जगह पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, यह वह इलेक्ट्रॉन है जो जिंक के एटम ऑक्सीडाइज होते समय छोड़कर गए। इस इलेक्ट्रोड पर सरप्लस एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जबकि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब कॉपर आयन इनसे आकर चिपक गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। जब हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सर्किट से मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए दूसरी इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। अब यह दोनों इलेक्ट्रोड दोबारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई। अब यह इलेक्ट्रोड दोबारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई। इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करते हुए चले गए। अब जरा सोचिए क्या होगा, पहले जो ऑक्सीडाइज होने वाले जिंक के एटम थे जो अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीडाइज हो रहे थे, उन ऑक्सीडाइज होने वाले जिंक एटम को दो तरफ से अपोजिशन मिल रहा था, सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज उन्हें आने नहीं दे रहा था, इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज उन्हें जाने नहीं दे रहा था। अब हम कहते हैं एटलीस्ट एक तरफ से अपोजिशन खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रोड कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करेगी क्योंकि अब इलेक्ट्रोड पर कोई चार्ज ही नहीं बचा है, तो इलेक्ट्रोड को कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने वाले जिंक एटम के लिए अपोजिशन कम हो गया है, इसलिए और भी ज्यादा जिंक के एटम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ज्यादा जिंक के एटम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जरा इधर देखें, इधर इस कॉपर हाफ सेल में कॉपर आयन रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते थे, रिड्यूस होने वाले कॉपर आयन को दो तरफ से अपोजिशन मिलता था, इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव चार्ज उन्हें आने नहीं देता था, सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज उन्हें जाने नहीं देता, इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बड़ी जल्दी एस्टैब्लिश हो गया। मगर जब इस तरह से इसे दिया गया और इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल कर गए तो इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाने से अब इस इलेक्ट्रोड की तरफ से किसी भी तरह का अपोजिशन मिलना बंद हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड को कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब कॉपर आयन को सिर्फ एक तरफ से अपोजिशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन, और भी ज्यादा कॉपर आयन अब रिड्यूस होंगे, और भी ज्यादा कॉपर आयन रिड्यूस होंगे, और ज्यादा कॉपर आयन के रिड्यूस होने से सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। हम कहते हैं ऐसा कर, देखिए क्या हो रहा है, वहां जिंक फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा, जिंक फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा और जिंक जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन इस मेटल इलेक्ट्रोड से इस मेटालिक वायर से ट्रेवल करते हुए इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ रहे, और उन इलेक्ट्रॉन को
सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वह गेन करके मेटालिक कॉपर में रिड्यूस हो जा रहे हैं और ओवरऑल वहां पर यह फिनोमेना हो रहा है. जिंक ऑक्सीडाइज होकर अपने दो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को दे रहे हैं और कॉपर आयन इस तरह से रिड्यूस हो जा रहा है और वहां पर यह रिएक्शन हो रही है. यह रिएक्शन वहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी है. द टेंडेंसी ऑफ दिस रिएक्शन टू अकर वो इसलिए है क्योंकि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कॉपर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है. हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन टू अकर इज इक्वल टू टेंडेंसी ऑफ जिंक टू गेट ऑक्सीडाइज्ड प्लस टेंडेंसी ऑफ कॉपर आयन टू गेट रिड्यूस्ड. इट्स टेंडेंसी ऑफ जिंक टू ऑक्सीडाइज प्लस टेंडेंसी ऑफ कॉपर आयन टू रिड्यूस. ये दोनों टेंडेंसीज एड अप होकर वह इस रिएक्शन की टेंडेंसी बना रही. जिंक आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कॉपर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ये दोनों टेंडेंसीज एड अप हो रही है और वो ओवरऑल इस रिएक्शन के अकर होने की टेंडेंसी हो रही है. नाउ द टेंडेंसी ऑफ दिस रिएक्शन टू अकर वी कॉल इट रिएक्शन पोटेंशियल. We call it reaction potential. Reaction potential. This is tendency of the reaction to occur. This would be equal to oxidation potential of zinc plus reduction potential of copper ion. यही बात मैंने लिखी है. Tendency of zinc to oxidize is oxidation potential of zinc. Tendency of copper ion to reduce is reduction potential of copper ion. This two potential, oxidation potential of zinc plus reduction potential of copper ion would be the reaction potential. And this reaction potential, we used to say, this tendency of reaction to occur, tendency of reaction occurrence. जो टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन ऑकरेंस है मतलब किसी भी रिएक्शन के होने की टेंडेंसी. मैं आपको समझाता हूं. जैसे पेट्रोल के जलने की टेंडेंसी काफी अधिक है एज कंपेयर टू कागज के जलने की टेंडेंसी. हम कागज को जलाते हैं और हम पेट्रोल को जलाते हैं. कागज धीरे धीरे जलता है और पेट्रोल एकदम से विग्रसली जलता है. इतना तेजी से जलता है दैट इट मे ब्लास्ट. हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ कंबसन ऑफ पेट्रोल इज मच हायर एज कंपेयर टू टेंडेंसी ऑफ कंबसन ऑफ अ पेपर.
means reaction potential of combustion of petrol would be much higher as compared to reaction potential of combustion of paper. This tendency of reaction occurrence, जिसे हम कह रहे हैं reaction potential, we call it electromotive force. Electromotive force of cell, or we call it EMF of cell, we denote it by E cell. हम इसे इस तरह से denote करते हैं E cell, and we used to say that this E cell may be written as मैं जो सेल की बात कर रहा हूं मैं गैल्वेनिक सेल अभी अभी बनाने जा रहा हूं उस गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ की बातचीत की जा रही है अभी और समझाता हूं दैट ई सेल वुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक वुड बी रिटन इन दिस मैनर प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन हम कहते हैं वहां पर यह फिनोमेना इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन के इस फिनोमेना के ऑकर होने की टेंडेंसी है मगर क्या यह फिनोमेना होता ही जाएगा नहीं यह फिनोमेना कॉन्स्टेंटली होता जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए जैसे जैसे यह फिनोमेना हो रहा है वैसे वैसे जिंक हाफ सेल में पॉजिटिवली चार्ज आयंस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं और हाफ सेल में नेगेटिवली चार्ज आयंस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं इस तरह से जब दो हाफ सेल में अपोजिट आयंस एक्यूमुलेट होते जाएं इन दोनों हाफ सेल में जब अपोजिट आयंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो वहां पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है चार्ज डिफरेंशियल हो रहा है ऐसे केस में वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इन दोनों हाफ सेल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है और यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों हाफ सेल के बीच में डेवलप हुआ है इसे मैं कहता हूं रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं इसे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों कह रहा हूं क्योंकि यह जो पोटेंशियल वहां पर डेवलप हुआ है वो इस फिनोमेना को अपोज कर रहा है यह जिंक आयंस इन जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा वापस खींचेंगे जाने नहीं देंगे और इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा आने नहीं देगा जिंक एटम जब ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे और ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करना चाहेंगे और कॉपर आयन रिड्यूस होना चाहेंगे तो इधर के जिंक आयन उन जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे और इधर के सल्फेट आयन उन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे दोनों तरफ से अपोजिशन मिलेगा इसलिए हम कह रहे हैं इट्स रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब हम कहते हैं इस रिएक्शन के ऑकर होने की टेंडेंसी तो बिल्कुल फिक्स है ना वो तो ना बढ़ेगी ना घटेगी रिएक्शन के ऑकर होने की टेंडेंसी वही है जो जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कॉपर आयन रिड्यूस होने की टेंडेंसी ये दोनों टेंडेंसी फिक्स इसलिए रिएक्शन के ऑकर होने की टेंडेंसी फिक्स मगर इस रिएक्शन के ऑकर होने से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाएगा कि वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश अल्टीमेटली वहां पर वंस अगेन डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाए उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के एस्टैब्लिश हो जाने के बाद जितने जिंक आयन ऑक्सीडाइज होना थे हो चुके जितने कॉपर आयन रिड्यूस होना थे हो चुके अब वहां पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई नो मोर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक नो मोर रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन जितने जिंक
ऑक्सीडाइज होंगे उतने रिड्यूस भी हो जाएंगे, जितने कॉपर आयन रिड्यूस होंगे उतने ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा। इट्स बिकॉज द रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट्स इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन पोटेंशियल। इस रिएक्शन की जो भी कुछ टेंडेंसी थी, इस रिएक्शन का जो भी कुछ पोटेंशियल था, उसके इक्वल एंड अपोजिट वहां पर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, वहां पर यह फिनोमेना पूरी तरह से रुक गया, बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना पूरी तरह से बंद। अब हम कहते हैं इस कंडीशन पर किसी भी तरह से यदि मैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लूं, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इस रिएक्शन का पोटेंशियल होएगा, वही ई सेल होगा इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इफ समहाउ वी कुड मेजर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल के बीच में रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किसी भी तरह से मेजर करें, वही इस रिएक्शन का पोटेंशियल होगा, वही इस रिएक्शन के ऑकर होने की टेंडेंसी होगी। बड़ी आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, वी हैव गॉट डिवाइस, वी हैव गॉट मेथड, बड़ी आसानी से मेजर करें। सबसे पहली बात, देयर इज नो करंट इन द सर्किट एंड इट्स ओपन सर्किट, यह एक ओपन सर्किट है और सर्किट में कोई करंट। हम कहते हैं रिएक्शन पोटेंशियल इज, रिएक्शन पोटेंशियल इज रिवर्स, रिएक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल इन ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन में दोनों हाफ सेल के बीच में व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, इस कंडीशन में दोनों हाफ सेल के बीच में जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वही रिएक्शन पोटेंशियल है। इसे मेजर तो अभी हम करते हैं, मेजर करने का तरीका सीखते हैं, अभी तो दूसरी समस्या है, दूसरी बात है, भाई ये रुक क्यों गया फिनामना, काश ये फिनामना चलता रहता। जिंक अपने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीडाइज होते जाते हैं, कॉपर आयन अपने रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से रिड्यूस होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली इधर से उधर फ्लो होते रहते, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली इधर से उधर फ्लो होते रहते तो वहां पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, और करंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता तो हमारा काम हो जाता। किसी भी तरह से हमको इस फिनोमेना को कंटिन्यूअसली चलाना है, अभी तो यह फिनोमेना रुक गया। यह फिनोमेना क्यों रुक गया? क्योंकि वहां रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों डेवलप हो गया? कि हाफ सेल में पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो गए, एक हाफ सेल में नेगेटिव आयन एक्यूमुलेट हो गए। यदि किसी तरह से हम इस हाफ सेल में से सारे जिंक आयन को हटा सकते होते और इस हाफ सेल में से सारे सल्फेट आयन को हटा सकते होते तो वहां से सारे आयन हट जाते और वहां से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हट जाता। फिर तो इतना हमें किसी भी तरह से इधर से सारे जिंक आयन को हटाना है और इधर से सारे सल्फेट आयन को हटाना है। क्या तरीका हो? क्या हम किसी तरह से जैसे वो पकोड़े, पकोड़े चलते हैं कि नहीं, ढेर सारे पकोड़े फिर झारा डाला और ऐसे सारे पकोड़े उठा लिए, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है? ऐसा कोई झारा, ऐसा कोई सीव जैसे अपन ऐसे डाले और सारे टाइम को ऊपर ऐसे उठा ले, इधर से सारे टाइम को उठा ले, कोई ऐसा तरीका नहीं। वी हैव गॉट नो मेथड, वी कैन नेवर आइसोलेट द आयंस। आप आयंस को आइसोलेटेड तरीके से नहीं, आप ऐसे हाथ डाल के जिंक आयन को पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते। फिर क्या तरीका? क्या इधर से इधर तक यदि हम कोई मेटालिक वायर कनेक्ट कर दें आयन्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता?
इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है क्या? क्या मेटालिक वायर के कनेक्ट कर देने से ऐसा होगा कि ये जिंक आयन इस मेटालिक वायर से ट्रेवल करते हुए इधर आ जाए, या सल्फेट आयन इस मेटालिक वायर से ट्रेवल करते हुए इधर आ जाए? कभी नहीं। मेटालिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर सकते हैं, मगर मेटालिक वायर के थ्रू आयंस कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। ना तो आप इन आयंस को बाहर निकाल सकते हो और ना ही आप इन आयंस को इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर सकते। हां, इन आयंस को न्यूट्रलाइज जरूर करा जा सकता। इन्हें न्यूट्रलाइज करने का मैं तरीका बताता हूं। वी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ सॉल्ट ब्रिज। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखिए, हम एक यू शेप्ड ट्यूब ले लें, इस तरह की यू शेप्ड ट्यूब इधर बना दो। यह एक यू शेप्ड ट्यूब है, इस ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट के सॉलिड क्रिस्टल्स फिल कर दें। कॉपर सल्फेट क्यों ले रहे हैं, अभी समझाऊंगा। सॉलिड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फिल कर दें। और इसे दोनों तरफ से कॉटन से प्लग कर दें। दोनों तरफ से कॉटन से इसको प्लग कर दिया। कॉटन की खास बात रहेगी कि वह सॉलिड कॉपर सल्फेट को फैलने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी, और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। इस तरह के डिवाइस को हम कॉपर सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज ऑफ कॉपर सल्फेट। यह जो है सॉल्ट ब्रिज ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट। इस तरह के सॉल्ट ब्रिज को हम इन दोनों हाफ सेल के बीच में इस तरह से रख देते हैं। कॉटन से प्लग करा हुआ और बिल्कुल डेंस तरीके से कॉपर सल्फेट से भरा हुआ। अब देखिए क्या होगा, जब जिंक आयन ऑक्सीडाइज होकर इधर आए तो सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयन नीचे आ जाएंगे और सॉल्ट ब्रिज के सल्फेट आयन इन जिंक आयन के साथ कंबाइन करके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देंगे। और वहां से अब इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन की वजह से था वह खत्म हो जाएगा। जिंक आयन की वजह से डेवलप हुआ सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। वहां पर जिंक आयन ऑक्सीडाइज होकर इधर से आए और सॉल्यूशन के अंदर से उतने ही सल्फेट आयन आ गए और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। और इधर क्या हुआ, इधर से जब कॉपर आयन रिड्यूस हुआ तो सॉल्ट ब्रिज से कॉपर आयन नीचे उतर के आ गया और
एक कॉपर आयन, जितने कॉपर आयन रिड्यूस हुए उतने ही कॉपर आयन सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशन के अंदर आ गए। जितने कॉपर आयन रिड्यूस हुए उतने ही कॉपर आयन सॉल्ट ब्रिज से नीचे उतर गए। और इस तरह से कॉपर आयन इधर कांस्टेंट रहे। अब यह सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज भी पूरी तरह से खत्म हो। अब ना तो इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ना ही इस सॉल्यूशन के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अब जब वहां कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर अब यह जो रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हुआ था और रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन होने लगी थी, वहां से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही खत्म हो गया। अब जब वहां से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही खत्म हो गया तो अपने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, कॉपर आयन अपने रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से रिड्यूस होते जाएंगे और वहां पर यह रिएक्शन कॉन्स्टेंटली होने लगेगी। कॉन्स्टेंटली वह रिएक्शन जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज होते हुए दिखेंगे, कॉपर आयन रिड्यूस होते हुए दिखेंगे, यह रिएक्शन अपने ऑकरेंस की टेंडेंसी की वजह से होने लगेगी। कॉन्स्टेंटली वहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेंगे और कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से वहां पर सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट दिखने लगेगा। इस कंडीशन पर यदि आप बीच में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दो तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट फ्लो होने लगेगा और इस इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट फ्लो होने की वजह से यह बल्ब ग्लो करने लगेगा। एंड such a device we call it galvanic cell. हमने galvanic cell construct कर लिया है। This is galvanic cell. इस galvanic cell में एक spontaneous reaction हो रही है। जिंक अपने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कॉपर आयन अपने रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से रिड्यूस हो रहे हैं। इस हाफ सेल में जिंक कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इस हाफ सेल में कॉपर आयन कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहे हैं। दोनों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी और इन दोनों की टेंडेंसी एडअप होकर वह टेंडेंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। मैं इधर हूं, टेंडेंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, टेंडेंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो रिएक्शन की टेंडेंसी है उसको हम गैल्वेनिक सेल रिएक्शन पोटेंशियल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल रिएक्शन पोटेंशियल मतलब गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन की टेंडेंसी, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन पोटेंशियल। इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
of galvanic cell और EMF of cell जो मैंने ऊपर लिख रखा है, और इसी को हम EMF of galvanic cell।